तो शुरुआत करते हैं वड्डी खबर एस जी पी सी दे नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। एस जी पी सी मैंबर ते जिहड़ा एस जी पी सी और एच एस डी एम सी विचाले जिहड़ी है तकरार देखण नूं मिली है। कुरुक्षेत्र के गुरद्वारा साहिब दे विच छेवीं पातशाही का गुरद्वारा कुरुक्षेत्र दे विच और उत्थे तकरार जिहड़ी है देखण नूं मिली है। गुरद्वारा दे प्रबंधां नूं लैके कुटमार जिहड़ी है सामने आई है। छेवीं पातशाही का यह गुरद्वारा जिथे पूरा विवाद भखिया हैगा, श्रोमणी कमेटी वर्सिज हरियाणा श्रोमणी कमेटी हो गई है, हरियाणा गुरद्वारा कमेटी हो गई है और तस्वीरां दे विच देख सकते हो तुसीं, तस्वीरां दे विच तुसीं देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल तक्का मुक्की होए ने। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे लोक और दूजे पासे हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे जिहड़े लोग हैगे ने आमो सामने हुंदे होए वर्सिज हुंदे होए दिखाई दे रहे हैं। छेवीं पातशाही का गुरद्वारा हैगा, एक्सक्लूसिव तस्वीरां तुहाडे तक डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल दे राही दिखा रहे हैं। दरअसल बीते कल जिहड़ा वो ताले जड़े गए सी, बीते कल ताले जिहड़े ने वो तोड़न की कोशिश जिहड़ी आ कीती गई सी। तकरारबाजी देखण नूं मिली है एस जी पी सी दे जिहड़े लोग सी और दूजे पासे जिहड़े हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे कुछ लोग सी, उन्हां दे वल्लों गुरद्वारा छेवीं पातशाही कुरुक्षेत्र विखे आपस दे विच तकरारबाजी हुई है, धक्का मुक्की होए ने। गुरद्वारे दे प्रबंधां नूं लै के किते ना किते आपस दे विच तकरारबाजी हुंदी हुई नज़र आई है और ये मामला उस दिन तो भखिया होया है जिस दिन तो वक्री हरियाणा गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी है वो होंद दे विच आई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों तो बाद लगातार एस जी पी सी और हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के विचाले जिहड़ी है वो खटास किते ना किते पैदा जरूर हुई है। सो साडे नाल साडे पत्रकार सैनी जुड़े हुए ने। सैनी किवें ये पूरा विवाद जिहड़ा भखिया, एक तो इस दे बारे जरूर जानकारी दिओ किस तरीके दे नाल ये अंदर पहुंचे और उस तो बाद ये विवाद जिहड़ा भखिया। कमेटी है वो यहाँ पर छठी पातशाही गुरुद्वारा में सेवा संभाल के लिए पहुंची थी, तभी से जो एसजीपीसीएस के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था क्योंकि जब एसजीपीसी हरियाणा कमेटी जो यहाँ पर पहुंची थी उसने जो दरबार साहिब है उसके अंदर जो मुख्य गोलक है उसके ताले तोड़ने का ताले भी तोड़े गए थे और अपने ताले लगाए गए थे, इसको लेकर जो विवाद है कल से ही जो है उजागर हो रहा था और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा यहीं पर। कुछ समय पहले ये सामने दरबार साहिब है छठी पातशाही गुरुद्वारा, यहाँ पर कुछ समय पहले जो है एस जी पी सी और एच जी पी सी के सदस्यों के आपसी कुछ मुठभेड़ झगड़ा जो है वो सामने आया है। जरा सर जो एच जी पी सी के सदस्य है वो दरबार एस जी पी सी और दूजे पासे हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिहड़े लोग ने आपस दे विच किते ना किते तकरारबाजी हुई है। कुरुक्षेत्र दे विच गुरुद्वारा प्रबंधां नूं लै के आपस दे विच उलझे हैगे ने। बलजीत सिंह दादूवाल दे जो समर्थक ने उन्हां ने एस जी पी सी दे जिहड़े लोग सी उन्हां नूं बाहर कढ़िया हैगा। सैनी एक बार दोबारा तो साडे नाल जुड़ चुके ने जी, सैनी तुसीं अपनी गल जिहड़ी आ ओह कंप्लीट कर सकदे हो। बाहर किया और उन कुछ लोगों को डिटेन कर पुलिस अपने साथ ले गई। अच्छा इस वक्त गुरुद्वारा की स्थिति की हैगी है सैनी, अगर गल करनी हो नॉर्मल है कि हुण उत्थे स्थिति? जी फिलहाल यहाँ पर शांति है, जो एसजीपीसी के जो सदस्य थे वो यहाँ से उनको यहाँ से निकाल दिया गया, उनको यहाँ से भेज दिया गया है और जो एचएसजीपीसी के जो प्रधान है बलजीत सिंह महंत करमजीत सिंह और दूसरे जो मेंबर्स हैं वो अभी यहीं पर हैं, वो आज रात रात से कल रात से ही यहीं पर है वो और
फिलहाल जो स्थिति है वो शांतिपूर्वक है, पुलिस को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। अगर इस प्रकार की कोई भी स्थिति दोबारा से होती है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है। अच्छा सैनी, जैसे पहले से ही जब से हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो कायम हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने उनको पूरे अख्तियार दे दिए हैं, तो वो तभी से एसजीपीसी और एचएसजीपीसी का आपस में टकराव जो है वो ज्यादा देखने को मिला उसके बाद से, तो क्या अब जो प्रबंध है जो पूरे गुरुद्वारों का वो अब एचएसजीएमसी पूरी तरीके से संभाल रही है? जी देखिए, 21 सितंबर 2022 का वो दिन था जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और जो हरियाणा की अलग कमेटी बनाई गई थी, उसके बाद से जो अभी तक कल तक की जो समय था वो जो सेवाएं थी गुरुद्वारा की, जो प्रबंधक था वो एसजीपीसी ही कर रही थी, यानी कि पुरानी कमेटी ही कर रही थी। कल ही जो हरियाणा कमेटी है वो छठी पातशाही गुरुद्वारा में पहुंची थी और कल से ही उन्होंने इन सेवाओं को अपने अधीन किया था। जब से ये फैसला आया है तभी से दोनों पार्टीज के बीच, चाहे वो एसजीपीसी हो एचएसजीपीसी हो, तनाव उसी दिन से देखने को मिल रहा है। लेकिन जब कल यहाँ पर जो प्रबंधन है हरियाणा कमेटी के द्वारा ली गया, उसके बाद यह तनाव जो है बढ़ता हुआ नजर आया। तो अभी जो जिन दो गुटों में टकराव हुआ था वो क्या उनको अब वो पुलिस हिरासत में ही है या उनको छोड़ दिया गया अभी? जी देखिए, जो एसजीपीसी के जो मेंबर्स थे अभी करमजीत सिंह, जो महंत करमजीत सिंह है जो प्रधान भी है, उनसे भी बातचीत हुई है। उन्होंने ये कहा है कि जब वो दरबार साहिब में दर्शनों के लिए गए उस समय जो एसजीपीसी के मेंबर्स वहां पर पहले से ही थे उनके द्वारा गाली गलौज की गई जो दरबार साहिब की मर्यादा के खिलाफ था, और इसी के कारण जो है तनाव बढ़ा है। और करमजीत सिंह ने कहा है कि इसको लेकर वो एक एफआईआर भी दर्ज कराएंगे और सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे, और साथ के साथ जो अकाल तख्त है जो सुप्रीम बॉडी माना जाता है सिखों की, वहां पर भी इसकी जो कंप्लेंट है वो करेंगे। अच्छा सैनी, जो गुरुद्वारा परिसर है उसको क्योंकि टकराव हुआ है आपस में, तो उसमें उसको तो कोई नुकसान नहीं हुआ है? नहीं, इस तरह का कोई नुकसान नहीं देखने को मिला है क्योंकि बीच बचाव जल्दी ही कर लिया गया, क्योंकि जो सुरक्षा कर्मी थे वो पास में ही मौजूद थे, उनके द्वारा बीच बचाव कर लिया गया। और जो बलजीत सिंह दादूवाल है, जो उनकी सिक्योरिटी है, वो बलजीत सिंह दादूवाल के साथ दरबार साहिब में ही उस समय मौजूद थी, तो ऐसी कोई नुकसान वाली घटना जो है वो सामने नहीं आई है। अच्छा, एसजीपीसी की क्या मांग है, क्या क्या मांग को लेकर एसजीपीसी के जो लोग है वो वहां पर पहुंचे थे? देखिए, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि कल जिस तरह से एक जो हरियाणा कमेटी है वो यहाँ पहुंची थी, और सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो यह था कि जिस तरह से जो गोलक है उसके ताले तोड़े गए, उसको लेके थोड़ा जो है ये तनाव बढ़ा है। और साथ के साथ अब तक जो देखा जाए तो एसजीपीसी इसकी इसका प्रबंधक कर रही थी, लेकिन अब जब उनके हाथ से प्रबंधक जाता दिख रहा है। सैनी जरा होल्ड करो थोड़ा जा होल्ड करो। बलजीत सिंह दादूवाल साढ़े नाल जुड़ चुके ने इस वेले फोन लाइन दे उपर। दादूवाल साहब स्वागत है डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल दे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। दादूवाल साहब, जो टकराव होया किते ना किते ओ तस्वीरां तां खैर चंगीआं नहीं लगदीआं कि गुरद्वारा साहब दे अंदर जो कि इतिहासिक है छेवीं पातशाही दा गुरद्वारा हैगा, की गल होई सी अगर तुहाडे शब्दां दे विच तुसीं दसणा चाहो? इस हरियाणा से गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दा हैड ऑफिस है गुरद्वारा साहब पातशाही छेवीं, जिसका कल हरियाणा कमेटी ने प्रबंध संभाल लिया, सेवा संभाला। जो मस्या का दीवान सीगा, वड्डी गिणती च संगत आ रही, दीवान सजिया सी, हरियाणा कमेटी के मैंबर अहुदेदार आए हुए थे। जब दे दीवान विच श्रोमणी कमेटी का एक मैंबर सैद भाणो खेड़ी और एक उहदे नाल कोई ढिल्लों, उन्होंने आके प्रोग्राम के दीवान के विघन पाता, विघन रोकण वास्ते जकारे छड़ते मैक फोन की पूछ की। असी चलो बैठे रहे 10-15 मिनट, अखीर जदों महाराज की बेअदबी तक आ गए तो उन्होंने फिर जिहड़ा सीगा संगत ने जिहड़ा सी उह बाहर कर दिता दरबार दे विचों। कुछ पुलिस फोर्सां भी उत्थे आ गईआं जदों इन्हां ने झगड़ा पैदा किया। तो जे इन्हां ने कोई गलबात करनी सी बाहर बैठे कर दे, दरबार दे विच आ के इन्हां नूं गुरमर्यादा च विघन नहीं सी पाउणा चाहीदा। चलो, भाई मनजीत सिंह भी जुड़े हुए ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो। मनजीत सिंह जी स्वागत है डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल से। बलजीत सिंह दादूवाल जिवें गल कर रहे ने कि जिहड़ा उत्थे हत्थों पाई हुई है, तकरार हुई है एसजीपीसी और हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो लोग हैगे उन्होंने विचाले, की कहना चाहोगे?
देखो मैं बेनती करनी चाहना है जी के तकरार जिहड़ा है वो सिखां दा सिखां नाल बिलकुल नहीं होना चाहिए। ठीक है कमेटी वक्री हो गई आ, हरियाणा कमेटी वक्री हो गई आ, और उतों की सरकार उन्हां दी मदद कर रही आ, ये सारिआं नूं पता है। लेकिन ये जिहड़ा सारा प्रोसैस आ ना इहनूं मिल बैठ के ते कट्ठे हो गए प्रबंध जिहड़ा है ना वह लेना चाहिदा, बजाय भी गुरु महाराज सच्चे पातशाह की बेदबी होवे जां किसे गुरसिख की पग लवे चाहे कोई होर गल होवे। मैं समझदा कि साढ़े ये सिखां वास्ते बदकिस्मती होगी जे अं एक दूजे नाल लड़ांगे। लोग कहणगे गुरद्वारियां तो लड़ते आ गोलकां तो लड़ते आ, ये सानू बिलकुल नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा, और जिथे भी कोई मसला उत्थे मिल बैठ के विचार करके जे वह बन गई आ तो ठीक आ, कोई ऐसी गल नहीं गी। अगे दिल्ली भी बनी सी, होर भी बनी आ, हरियाणा भी बन गई आ, ठीक है कोई गल नहीं, पर लड़ना नहीं चाहिए आपस में ना, मिल बह के गल सारी लपेटनी चाहिए आ। मैं हरियाणा कमेटी नूं भी अपील करनी चाहना है ते हरियाणा सरकार नूं भी कहना चाहना कि सिखां नूं आप भी लड़ाओ ना, मिल बैठ के मसला हल कर लो, कोई ऐसी वड्डी कोई गल नहीं हैगी है, मिल बैठ के मसले हल करने चाहिए। मर्यादा की भी उलंघना नहीं करनी चाहिए, तो गुरु ग्रंथ साहब का सरकार भी सानूं सारिआं नूं रखना चाहिए है, प्रबंध हैगा कि मिल बैठ के जिवें तुसीं भी गल कीती है, एक बार तय नहीं हो सकता कि जिहड़ा हुण अज तों हरियाणा गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन जाएगा जां उह प्रबंध करनगे, इदां दी आपां नूं तस्वीरां ही ना देखण नूं मिलण। बिल्कुल हो सकता है, जे मिल बैठ के कर लैन ते गल तां एड्डी कोई खास नहीं हैगी, श्रोमणी कमेटी नूं बिठा लैन ते उधरों भी बह जाणा। बिल्कुल मिल बैठ के होणा, जे उधर उधर ही लड़ के हुंदा जां सट पेट लग के हुंदा ते उह कोई चंगी गल नहीं होगी। देखो मैं स्वागत करदा इन्हां दे विचारां दा, इह कुरबानी वाले सिंह ने पुराने संत करतार सिंह खालसा पिंडरांवालिआं दे सपुत्तर ने, वो कुरबानी वाले सिंह असीं तां धामी साहब हुणां नूं पहलां तों अपीलां कर रहे हां कि उह आ के खुद सेवा संभाल जाण। जे धामी साहब हुणां खुद नहीं आउणा तां इहो जे सुहिरद सिख सरदार मनजीत सिंह वर्गे इन्हां वर्गे सिखां नूं भेज देण ते उह आ के खुद सेवा संभाल जाण। असीं तां महीने हो गए उहनां नूं अपीलां कर रहे हां, अज भी जे असीं सेवा संभाली आ ते बड़े प्यार दे नाल असीं तां जाके बैठे सी दरबार च, ते उत्थे आ के उह विघन पाउण चलदे दीवान दे विच आ के जिहड़ा हुल्लड़बाजी करन, तां मैं समझदा उह किसे तरह भी जायज नहीं आ। जे सरदार धामी साहब होणा खुद नहीं आउणा तां भाई मनजीत सिंह वर्गे सुहिरद सिखां नूं इत्थे भेज देण ते उह सारी सेवा संभाल खुद सौंप जाण। मैं दादूवाल साहब मैं बेनती करनी चाहुंदा हां जी 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 भी तुसीं आया करो धामी साहब नाल, आ भी कमेटी तुहाडी आ, भी सिखां दी आ, बिल्कुल बह के गल कर, तुसीं आ जाओ, जे बेशक ओह नहीं आउंदे तुसीं यार बह के गल, बिल्कुल भाई मनजीत सिंह जी तुसीं इह जिम्मेवारी निभाओ, सरदार धामी साहब हुणां नाल गल करो, असीं बैठण नूं हर वेले तैयार आ, तुसीं समां बणाओ आपां बैठ के वचन कर लैणे आ, ओह खुद आउण, असीं तां चाहुंदे खुद आ के सेवा संभाल के जाण। मैं तो आना जे सिख लड़े ना ते अपनी बेइज्जती बड़ी होनी है सारे वर्ल्ड दे विच, मैं तां बेनती करदा, मैं स्वागत करदा। मनजीत सिंह जी समय की गल हो रही है, जिमें दादूवाल साहब गल कर रहे ने भी समा तय कर लिया जाए, बैठ के जी गलबात हो जाए, कुछ समा तय, क्योंकि जे मसले का हल हो जाता अपना तो फिर तो बहुत चंगी गल है। बिल्कुल, मैं तो आज भी यही आना, देखो पता गल की है जी, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਨੀ ਗੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ। मैं कोई गल गलत नहीं करनी चाहना, वेखो मेरी बेनती है
ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣ ਦੀਵਾਨ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਬੈਠ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿੱਲ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਲੜੀਏ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਸੱਟਾਂ ਪੇਟਾਂ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਈਏ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੜੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਿਰ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਜੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਹੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਨੀ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਕਮ ਲਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਣ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਆ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ। ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੂਗੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੇਕਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਿਰਪੱਖ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਬਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਵੇ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰਮੈਸੀ ਕਾਇਮ ਰਹੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਪਾਏਗਾ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੇਨਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਧਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਵੀ ਸੇਵਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਏਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਖੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੰਡਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਸਥਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ,
इस करके दुनिया च कि भी सिख वसदा वह सचखंड श्री दरबार साहब न अकाल तख्त साहब न जुड़िया होया। असी हरियाणे के सिख भी अकाल तख्त साहब न समर्पित पंथ की कौम की कोई ताकत नहीं, एक प्रबंध वंडिया जाता होगा। जिदा दस्वीर अज देख मिली उतों का यही लगता है कि कमेटी बनन तो बाद कि ना कि जो दूरिया या तलखिया ने वो आपस के वधिया ने। चलो असं यही अपील करते हैं ना कि वो ना इस तरह का करन, वो वड्डा दिल दिखा हूँ जिहड़ी जदों सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने हक हरियाणा कमेटी के करता, उन्होंने रिव्यू पटीशन पाई वो भी रद्द कर दिती। फिर वो जिहड़े कानून को जिहड़ी अदालत को जदों का फैसला आ जाता वो क्यों नहीं मनते, वो भी मनना चाहिए ना। देखो अकाल तख्त साहब का साडा धार्मिक कोई भी फैसला होंदा वो जो भी कर दे मनना। हुण श्रोमणी कमेटी जिहड़ी आ देखो अकाल तख्त साहब का हुक्म ही नहीं मनदी कि उन्होंने कदों का कहा तुसीं अपना टीवी चैनल जिहड़ा वो शुरू करो दरबार साहब टैलीकास्ट, किन्ने महीने लंघ गए अजे तक श्रोमणी कमेटी ने अकाल तख्त का हुक्म ही नहीं मनिया। सानू जरूर वो कहिंदे आ ते असीं तां सारे पहलां ही समर्पित हां अकाल तख्त साहब नूं। मनजीत सिंह जी छोटा जिहा रिएक्शन तुहाडा। हाँ जी छोटा जिहा, जो बलजीत सिंह दादूवाल उन्होंने गल कही है कि अकाल तख्त साहब दे वल्लों तां जिहड़ा उह चैनल शुरू करन दा भी गल होई सी पर श्रोमणी कमेटी जिहड़ा उह कुछ चीज़ां नूं जिहड़ा नहीं मानदी हैगी है। उह नहीं, उह बेनती यह है कि कई जिस तरह हम चैनल ही शुरू करना वो कई बार टाइम लग जाता है, थोड़ा बहुता वध घट टाइम लग जाता है, वह करना चाहिए। अकाल तख्त साहब का हुक्म हर एक मनना चाहिए, भावे कोई सिख है कितने बैठा है, अकाल तख्त साहब का हुक्म जरा बिल्कुल मनना चाहिए। आप इस गल सहमत है कि चलो शुक्रिया दोनों का साढ़े जुड़न के लिए। बलजीत सिंह दादूवाल जुड़े साढ़े और भाई मनजीत सिंह जुड़े एस जी पी सी तो दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सो तस्वीर जिहड़ियां ने वो कुरुक्षेत्र दे विच ए देखण नूं मिलियां ने, सामने आईयां ने। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल जर्नलिज्म ऑफ होप।